हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले ODI का जो है दूसरा मैच होगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो पहला मैच जो है एक बार जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला मैच में आप सभी ने देखा होगा कि पहले मैच में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोनों टीमें खेली। जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो काफ़ी शुरुआत में विकेट जो है खो दिया था, लेकिन उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छा कमबैक किया और डेविड मिलान को जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है सेंचुरी देखने को मिला। उसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो एक टाइम पे ऐसा रन बन गया था, 300 के आसपास रन बन गया था। लग रहा था पिच देखे गया है, रन जो चेस होगा नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा शुरुआत किया। बिना विकेट के जो है 100, बिना विकेट गिरे 100 रन का जो है पार्टनरशिप किया और एक अच्छे लेवल पर जो है वो अपने टीम को जो है पार्टनरशिप को पहुँचाया और बहुत ही आसानी से जो है ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। अब बात करते हैं कि अगला मैच जो है किस तरीके से हो सकता है, कैसे जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक करना। और आप चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में एक बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट उठा सको तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और साथ में आप क्वालिफिकेशन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर तो ये जो होगा सेकेंड मैच होगा और ये खेला जाएगा सैटरडे को, यानी कि 19 नवंबर को। टाइमिंग जो होगा होगा 8:50 AM पे जो है मैसेज हो रहा है, क्योंकि ODI मैसेज है और ऐसा नहीं कि इंडिया में जो हम लोग इसे देख नहीं पा रहे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये पूरा देखने को मिल रहा है। और ये जो होगा आपको सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी पे देखने को मिलेगा। और अगर हम सिडनी ग्राउंड की बात करते हैं तो सिडनी पे जो है आपने बहुत सारे मैसेज देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है अभी की सीनरी के हिसाब से देखो, अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर भी काफ़ी कम था, समर का टाइम अभी जो है स्टार्ट हो रहा था, अर्ली समर था। अभी अब देखो तो आपको देखने मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वेदर भी जो है थोड़ा सा फ्रेश हो रखा है और टेम्परेचर भी जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। और अभी आप देखोगे तो एक अच्छा सा जो है कंडीशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा जो है ड्राई कंडीशन मिल सकता है इस ग्राउंड पे। तो अगर हम उस लिहाज से बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ग्राउंड जो है एवरेज बैटिंग की तरफ जो है वो अभी डिनोट कर रहा है, यानी कि 300 के आसपास जो है वो आपको रन लगता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। इसके अलावा भी अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखोगे जो स्विमिंग कंडीशन है वो जो है शुरुआत में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जो है डे का जब मैसेज होगा तो थोड़ा सा जब यहाँ पे डेइंग कंडीशन बनते जाएगा तो आप देखोगे कि उतना जो है वो स्विमिंग कंडीशन नहीं रहेगा, क्योंकि स्विमिंग कंडीशन तभी रहेगा तो थोड़ा सा नमी रहेगा ग्राउंड में, लेकिन जब थोड़ा सा नमी नहीं रहेगा, ड्राई कंडीशन रह जाएगा, तो स्विमिंग कंडीशन जो है थोड़ा सा नहीं रहेगा, लेकिन स्पिनिंग कंडीशन जो है वो बन सकता है ऐसे ग्राउंड पे। इसके अलावा जो अभी तक यहाँ मैचेस खेले गए उनमें आप देखोगे तो टोटल जो है 152 मैचेस खेले गए, जिनमें से 90 फर्स्ट बैच जीता है और 62 जो है वो सेकेंड बैच जीता है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्कोरिंग एरिया का, तो आप देखोगे स्कोरिंग एरिया जो है वो 200 से लेकर 250 के बीच में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है, 250 से ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा रन बने हुए हैं और उसके अलावा देखोगे 300 से ऊपर भी जो है अच्छा खासा रन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 डिग्री जो है वो रहने वाला है। और यहाँ पे अगर वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो बारिश के चांसेस भी जो है वो 10% के आसपास जो है वो अभी है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि बारिश जो है वो आपको नहीं होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तब देखोगे टॉस से ज़्यादा चांसेस जो है इंग्लैंड का है और इंग्लैंड जो है टॉस जीत के पहले यहाँ पे बॉलिंग करना कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह का ग्राउंड है वो शायद ये हो सकता है कि पहले बैटिंग जो है वो करने के लिए सभी टीमें यहाँ पर जाएँ। इसके अलावा हम बात करते हैं दोनों टीमों की तरफ से टीम न्यूज़ के, तब देखोगे इंग्लैंड की तरफ से जो है जॉस बटलर लीड करेंगे और ये जो है अपने पेसर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आपको बताओ कि मोइन अली को सैम करन को जो है लास्ट मैच में उन्होंने रेस्ट दे दिया था, तो उनको जो है लेके आ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंग्स जो है लीड करेंगे और जिस तरह की इन्होंने मैचेज जीता है तो कोशिश यही करेंगे कि इस मैच को भी जो है वो जीते, उसके बाद से जो है चेंजेस करें, यानी कि सेम टीम के साथ जो है खेलना पसंद करेंगे अभी के लिहाज से। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब इंग्लैंड की तरफ से देखोगे प्लेइंग 11 से फॉर्म में अभी कौन कौन है, तो जेसन रो का फॉर्म जो है थोड़ा ठीक देखने वाला था, फिलिप साल्ट का जो है फॉर्म काफ़ी जो है वो अभी ठीक था T20 में, लेकिन अभी के लिहाज से देखोगे तो उतना अच्छा परफॉर्म जो है नहीं कर पाया, लेकिन शुरुआत अच्छा किया था इन्होंने। इसके अलावा डेविड मिलान का जो है वो लास्ट मैच में सेंचुरी उन्होंने लगाया था। इसके अलावा जेम्स विंस जो है अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा देखोगे तो बटलर का फॉर्म जो है वो अच्छा है। और बॉलिंग की हम लोग बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है वो सभी को जो है लास्ट मैच में मार पड़ी थी, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग किया था, तो उस लिहाज से आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे आप क्रिस जॉर्डन या लूक वेट या फिर ओयली एस्टन को जो है वो आप चांसेस लेके चल सकते हो। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप डेविड वार्नर ट्रेविस हेड का जो परफॉर्मेंस था ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे तो मार्कस स्टोइनिस का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप मिथिला स्टार्क का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा था लास्ट मैच में, तो आप उनको पिक करके चल सकते हो, ये जो है आपको एक अच्छा सा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इंग्लैंड की तरफ से अगर बात किया जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस में इंग्लैंड जो है रिसेंट 5 ODI मैच में जो है वो 3 हार चुका है, 1 जीता है और 1 जो है वो नन रिजल्ट हुआ है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का कैसा कंडीशन है, तो ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको देखने मिलेगा कि रिसेंट 5 मैचों में से जो है 4 जीते हैं और 1 जो है ये हारे हैं।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हेड टू हेड का, तो दोनों टीमें जो होंगे तो अभी तक जो है यहाँ पे 154 मैचेज जो है ये दोनों टीमें खेल चुकी है, जिनमें से 63 मैचेज इंग्लैंड जीता है, 85 मैचेज लास्ट मैच को इंक्लूड करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डीम लिमिट टीम को, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है वो जो है आप शुरुआत कर सकते हो। आप चलो देख लेते हैं डीम लिमिट टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। बात करते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम का, तो आपको देखने मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है प्लेयर आपको पिक करके चलना है, तो उसी लिहाज से आप देखोगे तो अभी अगर विकेट कीपर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जॉस बटलर, एलेक्स कैरी दोनों का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, फिलिप साल्ट का जो है देखोगे तो उनका भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा है, तो आप अभी के लिए चाहो तो पिक करके चल सकते हो। बैटिंग की बात करते हैं तो वार्नर का, इसके अलावा जो है आप देख लेते हो स्मिथ को ले सकते हो, इसके अलावा जो है डेविन मलान का, ट्रेविस हेड या स्मिथ जो है परफॉर्मेंस अभी अच्छे दे रहे हैं सारे, तो आप इनको पिक करके चल सकते हो। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, इसके अलावा डेविड वेली को जो है लास्ट मैच में बोला था कि इनको आप पिक करके चल सकते हो, परफॉर्मेंस जो है ये अच्छा दे सकते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है आपको यहाँ पे पैट कमिंस को ले लिया है, जंपा को ले लिया है, इसके अलावा जो है क्रिस जॉर्डन को आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो, और लास्ट में अगर सैम करन आते हैं कल के मैच में तो सैम करन को जो है आप यहाँ पर पिक करके चल सकते हो, तो एक परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के तौर पे जिस तरह से डेविन मिलान का लास्ट मैच में सेंचुरी था तो बहुत सारे लोग जो है डेविन मिलान के साथ जाएंगे, तो आप डेविन मिलान जो है वाइस कैप्टन के तौर पे जा सकते हो, कैप्टन के तौर पे जो है आप ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो, डेविड वेली को ले सकते हो, या फिर वार्नर और स्मिथ को जो है पिक करके चल सकते हो, तो इस तरह का जो है सीनरी आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है डेविन मिलान हर मैच में जो है सेंचुरी दे सकते हैं, तो आप वाइस कैप्टन के तौर पर जा सकते हो, परफॉर्मेंस है तो हाफ सेंचुरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या थोड़ा सा और जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस तरह का जो है सीनरी आपको देखने मिला। तब यहाँ पे जो है कैप्टन आप किसको बना सकते हो, तो जिस तरह का ग्राउंड है उसके लिहाज से जो है मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है परफॉर्मेंस अच्छा यहाँ पे चलने वाला है। इसके अलावा यहाँ से देख सकते हो आप टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ जो है आप कोई भी लीग जो है खेल सकते हो, इसके अलावा और भी टीम चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप जो है वो जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप जो है शुरुआत कर सकते हो। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।